बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। फ्रेंड्स आएँ, आज मैं आम डेमो देते हैं कटिंग पे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी कटिंग करने लगी हूँ और मैं स्टेप कटिंग करने लगी हूँ। ठीक है, ये आप गाइस देख सकते हैं इनके हेयर, ये देखें कितने फ्लफी हैं। और वीडियो फुल देखना और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। फ्रेंड ये देखें, आई फ्रेंड फ्रेंड ये देखें, बाल को मैंने शावर कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपने जब भी कंघा करना है आपने ऊपर से यहाँ तक बाल लेके आने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बालों को इधर से कंघा करना है, उससे क्या हुआ कि किसी के भी बाल टूटेंगे नहीं। फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक्स, आप मुझे लाइक करते हो, शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, और जिसको ना समझ आए मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये देखें फ्रेंड्स, इधर से भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखें फ्रेंड, हमारी माँ सेंटर में आ चुकी है। फ्रेंड हमने कान पट्टी से बालों को हाफ करना है। ठीक है, ये देखें इधर से भी हमारी मांग बराबर होनी चाहिए। ये देखें फ्रेंड, आप देख सकते हो, दोनों तरफ का हमें सेंटर बराबर रखना है और कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स ये देखें, पहले सबसे पहले हमने अच्छे से कॉम करना है। ठीक है, हमारा कॉम बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें हमने नोज़, हमने देखना है कि हमारी क्लाइंट को कितनी लेंथ चाहिए। अगर तो शॉर्ट चाहिए तो हम नोज़ से लेंगे, अगर हमें लॉन्ग चाहिए तो हम चिंक से लेंगे। ठीक है, हमारी क्लाइंट को लॉन्ग चाहिए तो इसलिए हम चिंक के नीचे से लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, हमारा क्लाइंट कह रहा है कि मुझे लॉन्ग ही लेंथ चाहिए। फ्रेंड ये भी मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, आप कटिंग बहुत सारी देखते होगे लेकिन बाद में आप कोशिश करते होगे कि हम ऐसी कटिंग करें लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके तरीके मुश्किल होते हैं, कटिंग यही होती है। लेकिन मैं आपको तरीका भी बहुत आसान बता रही हूँ कि आपकी समझ में भी आएगा, आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला कर भी पाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, अभी वीडियो फुल देखना, ये हमने अभी जैसे बिस्मिल्लाह की है। हम इधर से भी अच्छे से पहले कॉम करेंगे, बालों को अच्छे से नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, कॉम करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप कटिंग करते जाएंगे। फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, इधर भी एक एक लेयर आपको नज़र आ रहा होगा। देख सकते हैं, अभी वीडियो आप फुल देखना, अभी इसकी और कटिंग होगी।
हम फिर आगे को इसकी सारी ये देखें। फ्रेंड्स ये देखें, हमने एक लेयर को, हमने पीछे की तरफ से लेयर को स्टेप बाय स्टेप उठाना है। ये देखें ऊपर तक आप देख सकते हो, मैंने ऐसे इनको सीधा किया। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर ली, देख सकते हैं। हम सब प्लेयर को ऐसे ही करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड पहले हमने इस तरह कटिंग की है, अब हम इस तरह करेंगे, ठीक है। फ्रेंड ये देखें, आप ऐसे इसको काउंट करके और चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, आपको एक एक लेयर नज़र आ रही होगी। फ्रेंड ये देखें, अभी हम इस ये साइड भी इसी तरीके से ही स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे। वीडियो फुल देखना। फ्रेंड्स ये देखें, अभी मैं ये आप देख सकते हैं जो बिल्कुल आपके फोरहेड हेड के बराबर हैं, बाल आ रहे हैं दरमियान में से। ये आप दोनों तरफ ऐसे मांग निकालेंगे, ठीक है। और इन बालों को आप ये देख सकते हैं, आप उनको हमने ये देखा कैसे कटिंग करनी है उसकी, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये हमें थोड़े से शॉर्ट चाहिए बाकी बालों से। आप वीडियो फुल देखना, मैं आपको इनकी सारी सेटिंग बताती हूँ कि हमने बालों की सेटिंग कैसे करनी है। इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और इनमें शाइन ग्लोइंग बिल्कुल नहीं है और थोड़ा सा कर्ल भी आ रहा है इनमें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि इन बालों को हमने खूबसूरत कैसे बनाना है। अगर हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे हेयर लेके तो नहीं जा सकते।
और हमने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला सारा कुछ अभी बताती हूँ, दिखाती भी हूँ साथ साथ। आप ये देखें, मैं अभी बैक साइड पे आ गई हूँ। देखें मैंने इनके पार्ट्स बना लिए कि टाइम वीडियो लंबी ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने इसके चार पार्ट्स बना लिए, ठीक है आप देख सकते हो। अभी मैं इनको क्लिप लगा दूँगी, मेरे क्लाइंट को लॉन्ग चाहिए हेयर, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अगर लॉन्ग में कटिंग करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। ये हमने इसके फिर से ये देखें, हमने ज़्यादा कटिंग नहीं करनी इसलिए हमने लॉन्ग ही रखी है। इधर से भी हम दूसरा पार्ट करेंगे ऐसे ही। आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि आपने ये वाला स्टेप जो कटिंग आपने कर ली है उसको साथ उठाएं, ठीक है। और ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इसके साथ आ गए, तो हमने फिर ऐसे ये आप देख सकते हैं ऐसे कटिंग कर देनी है। अब हम सबसे नीचे वाला उठाएंगे, देखें इसकी भी हमने ऐसे ही कटिंग कर दी। अब फ्रंट हम आते हैं, तो हमने आगे बाल छोड़ दिए थे ऊपर वाले, इनके भी हम दो पार्ट्स बनाएंगे, दो भी बन सकते हैं तीन भी बन सकते हैं बालों की लेंथ के हिसाब से। देखें इनकी भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे, ऊपर को कॉम करेंगे, और कटिंग आपको दिखाने के लिए मैं नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखें आप अभी हम इस साइड को आते हैं फ्रेंड्स, ये देखें अभी ये लास्ट वाला स्टेप है। इसको भी हमने इसी तरह ही लेके जाना है ऊपर की तरफ, कॉम करना है। ये आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिए कटिंग तो हो चुकी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस कटिंग को हमने सेट कैसे करना है, ठीक है। मैं इसको आपकी सारी सेटिंग दिखाती हूँ कि आपने वीडियो को फुल देखना है, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह ताला अभी मैं बताती हूँ हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। फ्रेंड ये देखें कटिंग मैंने कर दी है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग बताने लगी हूँ, आप देख सकते हो कितने ये हेयर ड्राई हैं, और ये देखें इसमें कितना कर्ल आ रहा है आप देख सकते हो। ये मेरे पास क्रीम है सिल्की कूल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कंपनी, इसकी मैं क्रीम इनके इस्तेमाल करने लगी हूँ। देखें फ्रेंड्स
ये मैंने क्रीम ले ली है हाथ में। अब मैंने इसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं अभी दिखाने लगी हूँ आपको, ठीक है। जो डैमेज हेयर हैं, जिस तरह के इनके हेयर हैं, ड्राई हेयर हैं, अगर आप धूप में ज़्यादा काम करते हो तो ये क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये आपके जो डैमेज हेयर हैं वो क्लियर हो जाएंगे इससे। इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मच करना है। फ्रेंड्स ये देखें, अभी मैं आयरन करने लगी हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बालों की सेटिंग बताती हूँ कि आपने कैसे करनी है, इस तरह के हेयर को आपने कैसे कवर करना है। आपने बहुत आराम आराम से लेके आना है इसको। नीचे को फ्रेंड्स आपने ऐसे इनको आराम से फोल्ड करके फिर छोड़ना है। फ्रेंड्स ये देखें, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसकी सेटिंग कर दी है, आप देख सकते हो। ये देखें, देख लें फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फ्रेंड ये देखें, इसको हम किसी भी तरह सेट कर सकते हैं, आप जैसे चाहो इसको सेट कर सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, ठीक है। देखें फ्रेंड्स ये देखें, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखें, आप इसको ऐसे जैसे चाहें इसको आप सेट कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड ये देखें, फ्रेंड्स ये देखें, मैंने बैक की तरफ से भी आपको दिखा रही हूँ कटिंग, ये आप देख सकते हो। वैसे वैसे ये देखें कितना फ्लावर, कितना प्यारा फ्लावर बन रहा है, ये देख सकते हो। ये देखें, अगर आप पोनी डालेंगे तो ये शेप आएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने हैंड में पकड़े हुए हैं, ये देखें
मैं आपको आपने सेटिंग कैसे करनी है बालों की कटिंग की वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने स्टेप कटिंग की है, हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, कटिंग को सेट कैसे करते हो। हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो पूछते हैं आके कि हम कटिंग की है तो हमें सेटिंग नहीं आती। ये देखें, ये आप देख सकते हो, अभी मैंने इधर कोई पिन नहीं लगाई, मैंने जस्ट हाथ में पकड़ी है, ठीक है। अगर आप दूसरा स्टेप भी उठाते हो तो आप ये देख सकते हो कि हमारा दूसरा स्टेप आ गया, ये देखें, ठीक है। अभी हम थ्री स्टेप पकड़ेंगे, इधर हम आप पिन भी लगा सकते हो, इधर आप छोटी सी कोई कैचरी भी लगा सकते हो, ठीक है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आप जैसे जैसे इसकी सेटिंग करते जाएंगे ये वैसे वैसे खूबसूरत बनती जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा अल्लाह ताला के हुक्म से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।